वेलकम बैक नाज़रीन। कराची शहर के अंदर बिलखसूस हम ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट का एक मसला जो है वो बहुत देरीना है, मगर उसके ऊपर अब काम होता भी दिखाई दे रहा है। आज फिर एक बड़ी बैठक हुई है, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, उनकी सदारत के अंदर इजलास हुआ है और कुछ अहम फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को जो है वो जोड़ा जा रहा है और किस तरह इसके ऊपर काम होगा, इसके ऊपर तफसीली आप तक नाज़रीन पहुँचाते हैं। कराची की एक अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। तारिक ने हमें ज्वाइन किया, हमारे रिपोर्टर हैं। तारिक, क्या तफसीला आज बड़ी बैठक हुई है? ट्रांसपोर्ट एक आम आम आदमी का बड़ा मसला है, इसके ऊपर क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यकन अब्दुल। देखें, आलवी साहब, बिल्कुल बताऊं मैं, सीनियर वजीर हैं सूबाई शर्जील इनाम मेमन, जिनकी जेर सदारत जो है वो आज महकमे ट्रांसपोर्ट का आला सतही जो है वो इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके अंदर सेक्रेटरी, डेप्टी सेक्रेटरी, ट्रांस कराची के जो है कायम मुकायम CO, रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन के हुकाम, इंटरनेशनल कंसल्टेंट, तमाम लोगों ने जो है वो उसके अंदर शिरकत की। फैसले बड़े अच्छे फैसले किए गए, जिसके अंदर जो है वो आवाम को सहूलियात पहुंचाने के हवाले से तबादला ख्याल भी हुआ है इन फैसलों के अंदर। जबकि बात कर ली जाए कि फैसले क्या किए गए, ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को आपस में जोड़ने का मनसूबे की जो है वो अमली जामा फैलाने की जो है वो अहकाम जारी किए गए, जबकि जो है वो दोनों सर्विसेज को जो है वो आपस में जोड़ने की बात की गई, जबकि जो है वो एक शटल सर्विस ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को जोड़ने के लिए जो है वो शटल सर्विस भी जो है वो शुरू की जाएगी ईद के फौरी बाद, जिसके अंदर जो है वो नुमाइश का टावर जो है वो ये शटल सर्विस शुरू की जाएगी। दूसरी चीज जो है वो शटल सर्विस जो है वो अन्नू भाई पार्क डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर वाकई है, जो है वो जिना वीमेन कॉलेज जो है नॉर्थ आजमाबाद के अंदर वाकई है, उसके अंदर वहाँ पे जो है वो आवाम की सहूलत के लिए जो है वो फ्री शटल सर्विस जो है वो शुरू की जाएगी। दूसरी चीज जो है वो रेड लाइन के ऊपर जो है वो तबादला ख्याल हुआ, BRT के ऊपर जो है वो तबादला, BRT के ऊपर जो है तबादला ख्याल किया गया, जिसके अंदर जो है वो शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि वफाकी हुकूमत के तहत जो है वो FDP प्रोजेक्ट के तहत जो है वो 18 बिलियन मालियत की जो है वो 300 बसों का जो है वो वादा किया गया था, लेकिन जो है वो निगरा गवर्नमेंट के आने के बाद जो है वो बसेस जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई है, जिसके ऊपर जो है वो वफाक को जो है वो वफाक से बात करने की जो है वो उसकी जो है वो हिकमत अमली बनाई गई, किस तरह वफाक से बात की जाएगी, किस तरह जो है वो और बसेस का जो 300 बसेस का जो है वो वादा किया गया था वो किस तरह हासिल की जाएंगी, उसके बाद जो है वो बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत जो है वो सहूलत के लिए जो है 500 बसेस खरीदने के भी जो है वो अहकाम दिए गए हैं कि 500 बसेस जो है वो खरीदी जाए, ताकि जो है वो आवाम को ज्यादा से ज्यादा जो है वो सहूलत फराम हो सके। हमने सबका दौर के अंदर भी देखा कि जो है वो शर्जील इनाम मेमन की जाने से अच्छे इंकलाबी इकदाम उठाए गए, जिसके अंदर येलो बस, पिंक बस, इलेक्ट्रिक बस जिनको जो है वो मुतारिफ कराया गया, रेड बस सर्विस को मुतारिफ कराया गया, जो कराची समेत जो है वो सिंध के तमाम अजले के अंदर जो है वो शुरू की गई। इससे कबल जो है वो इजलास हुआ था, उसके अंदर जो है वो और मजीद बसेस और मजीद रूट का जो है वो इजाफे के जो है वो अहकाम जारी किए गए थे कि ईद के बाद जो है वो मजीद रूट जो है वो बनाए जाएंगे, ताकि जो है वो आवाम का जो मसला है, ट्रांसपोर्ट का जो मसला है वो ये भी बताइएगा, क्योंकि एक मामला ये आ रहा है कि जी इस तरह का तो कोई शिकायत नहीं आ रही, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई गाड़ियाँ उतर जाती हैं, सड़कों पर चलना शुरू हो जाती है, तो फिर पता चलता है जी मेंटेनेंस का बड़ा मसला है, गाड़ियाँ खड़ी होना शुरू हो जाती है, तो अब तक इसकी क्या सूरत हाल है ये भी बता दीजिएगा जरा। अली साहब, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि जो है तमाम रूट जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, उनके तरक्याती काम जो है मुकम्मल कर लिए गए थे, जबकि जो है वो ग्रीन बस, रेड बस सर्विस के जो है वो रूट जो है वो अलग से बनाए गए थे, आम रूट से हटके जो है वो उनको रूट को बनाया गया था, जबकि जो है वो एक रूट जो है वो जो यूनिवर्सिटी रोड पे वाकई वो जो है वो तासल का शिकार था, तरक्याती काम वहाँ पे, उसके ऊपर भी जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि फौरी तौर पर जो है वहाँ का काम जो है वो दोबारा शुरू कराया जाए, ताकि जो है वो आवाम को जो है वो रिलीफ फराम हो सके। अगर कहा जाए कि 100% में से जो है 40% का काम जो है वो रेड लाइन का जो वो कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर रूट बनाया गया है उसके ऊपर मुकम्मल हो चुका है, जबकि जो है वो 60% काम रिमेनिंग है, जो सबका दौर में जो है वो निगरा सेटअप के आने के बाद जो रुक गया था, उनके फंड जारी ना होने का जो है वो ठेकेदारों ने शिकवा किया था। शर्जील इनाम मेमन ने जो है अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई है कि फौरी तौर पे जो है वो तमाम चीजों का जायजा लेके जो जितनी भी पेमेंट रुकी हुई है उन तमाम पेमेंट को क्लियर किया जाए, ताकि जो है वो आवाम को जो है वो किसी किस्म का जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। बात कर ली जाए सिंध हुकूमत की जानब से जो है वो कराची से हैदराबाद, मीरपुर खास से हैदराबाद, लालकाना से सखर, लालकाना से कंबर शराब कोर्ट भी जो है वो बसेस चलाने के जो है वो अहकाम जारी किए गए, जो है ईद के फौरन बाद जो है वो बैनुल अजलाई जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पे शुरू की जाए, ताकि जो है वो अजमेर सिंध के लोग भी जो है वो इस चीज से जो है। अच्छा तारिक, ये
बीआरटी को लेके भी अक्सर ये सब रेड लाइन के ऊपर भी बात होती है कि जी तरक्याती काम ताखीर का शिकार है, और इसके ऊपर भी बड़ा बात हो रही थी, तो इसका ये मामला कहाँ तक पहुँचा, इसके ऊपर अब जो है वो काम फिर अली साहब, बिल्कुल आपको बताऊं कि जो है वो इस चीज को भी जो है, इन चीजों को भी जो है वो आज की इजलास जो इजलास हुआ था उसके अंदर जेर गौर आई तमाम चीजें की जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो बीआरटी का काम जो है वो दोबारा शुरू करने के जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए हैं। शर्जिल नामे में से कहते कहना ये था कि चाहते हैं कि रेड लाइन बीआरटी का काम जल्द अज जल्द जो है वो तकमील को पहुंचे ताकि जो है वो आवाम को ज्यादा से ज्यादा जो है वो फायदा हो सके, आवाम को किसी भी चीज की जो है वो तकलीफ, जब तक महकमा ट्रांसपोर्ट में मैं मौजूद हूँ तो आवाम को किसी भी चीज की जो है वो तकलीफ ना हो, आवाम को जो ट्रांसपोर्ट का मसला है वो तमाम काम जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि जो है वो आवाम इस चीज से जो है वो रिलीफ हासिल कर सके। ठीक ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक काजमी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, ये ट्रांसपोर्ट का एक अहम मसला है कि एक आम आदमी से बड़ा सफ़र होता दिखाई देता है, और एक अच्छी बात यह है कि चौधरी लीला मेमन इसकी सदारत करते हैं और इजलास बुलाने के बाद अब हम ये देखते हैं कि जिस तरह एक तेज़ी हम देख रहे थे ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल, ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं, एक आम आदमी डायरेक्ट पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं, एक आम आदमी सच बात बताएं तो दुआएं देने पर वो हो गया था कि शुक्र अल्लाह का कि इज्जत के साथ हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि सिंध हुकूमत और सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कि एक आम आदमी का जेन्युइन मसला, इसके ऊपर यकीनी तौर पर अपनी टीम के साथ जल्द अज जल्द काम कराएंगे, कराची और दीगर शहरों के अंदर जो है इसके अंदर काम होगा, तो यकीनी तौर पर एक बहुत सॉफ्ट इमेज और चीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर एक शहर का एक अहम सामाजिक मसला है उस पर नुहा जो है वो आपको सुनाएंगे कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, और जानने की भी कोशिश करेंगे कि हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने जो इस वक्त डिटेल निकाली है वो बहुत अफसोसनाक है, उसके ऊपर बात करेंगे।